बढ़ना है। आसमान को छूना है। पहले मैं घर पे बैठी थी, मम्मी के साथ काम करने में हेल्प करती थी, और यहाँ पे एक स्कूल खुला तो मैं यहाँ आई, और यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। एलपी नसरुल्लाह में मैं बहेज़ फैसिलिटेटर काम करता हूँ, और यहाँ पर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं तो डेली कॉलेज जाती थी, लेकिन बाद में मुझे लोगों ने बताया मोहल्ले के यहाँ पे एक ऐसा सेंटर खोलने वाला है आईआरसी की तरफ से। मैं टीकेएफ में एज अ केस वर्कर काम कर रही हूँ। मेरा काम जो है बच्चे को प्रोटेक्ट करना। हमारे ये गांवों के बच्चे जो हैं ये आउट ऑफ स्कूल थे। मैंने ये सोचा कि आपने तालीम तो कर लिया, आओ इन बच्चों को पढ़ाओ जो स्कूल आउट ऑफ स्कूल है, कि ये भी कल कुछ ना कुछ बने। तो यहाँ पे जो काम है मुश्किल भी है मगर एक्साइटेड बहुत है, और ये भी है कि ऐसे एरियाज में जाना, उनको तालीम देना, तो मुझे खुशी होती है कि हमारी वजह से बच्चियाँ आती है सेंटर्स पर पढ़ती है। हमारा जो सिलसिला स्टार्ट हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल आईआरसी के साथ, पहले जो हमारा स्टाफ है वो आए हमारे इलाके में, फिर हमने हर घर में अलग अलग गए, जैसे हम पूरे मोहल्ले में घूमे, बच्चों को ढूंढा, उनके वालिदैन को मुतमईन किया, उसके बाद बच्चों को एडमिशन दे दिया। दगा स्कूल चुव बयान बस दिलता स्कूल रहा نقول تعليم دير مختك لليدي دير كي وشار السويد سبكاني شو مختك لليدي نده مش دير خش على يفدا تعليم باندي अगर आपको आगे कोई कहे कि आपने बस अब नहीं पढ़ना, तो आप उसको क्या कहोगी? अम्मी से कहूँगी कि मुझे स्कूल जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं आगे बढ़कर मैं डॉक्टर बनूंगी तो गरीबों का इलाज करूँ। زه غواړم چې دا ښه پر مخ ولاړه سي، د دې سره یو ښه ډاکټره جوړه سي، یا یو ښه ماشټره جوړه سي چې نورو کوچنیانو ته زده کړې وکړي، دا نو که یو څه مخ ته ولاړه سي، دا تعلیم په سر ورسوي. I will never give up. I will never give up. आइंदा फ्यूचर में मैं बच्चे को देखूं कि वो हाई लेवल पे कोई जॉब करता हो, और जब मैं जाऊं वहाँ पे तो वो लोग फ़ख्र से कहे कि ये थी हमारी टीचर जिसने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया, तो हम आज इस ओहदे पे पहुंच गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइस्ता है। तो फिर पढ़ने चले चले।